तो कभी ये बताओ, आप ये कह रहे थे कि अब्राहम रिलीजन में प्रॉफिट जो हैं वो, चूंकि वो भी इंसान होते हैं तो वो झूठ बोल, उनसे भी गलती हो सकती है, विच इज आई एम टोटली फाइन विद इट। लेकिन आप ये बताओ, मुसलमान होते हुए ये बताओ कि मोहम्मद भी उसी जो क्लेम करते हैं कि उसी प्रॉफिटहुड को, इब्राहिमी को, तो मोहम्मद जो है, आप ये समझते हो कि मोहम्मद भी गलती कर सकता था? I answer again. Any prophet or Abrahamic religion, there are more than 1 lakh prophet. I don't know how much exact number. Any prophet of Abrahamic religion, whether Islam, whether Christianity, whether Judaism, any Abrahamic religion, he can तो make a आप mistake because he is a तो human, इसका right? मतलब है कि देर इज पॉसिबिलिटी कि मोहम्मद ने भी कोई गलती की होगी क्योंकि वो प्रॉफिट था। I already answered this question, man. अगर आप ओके, समझदार हो तो आप थैंक समझ यू जाओगे, राइट? अब थैंक यू थैंक ठीक है, यू थैंक यू, दैट्स ऑल आई या हैव। थैंक थैंक यू। अब बस और कुछ पूछिए आप। जी, और ये जी आपने पूछा है बता, कि स्लेवरी की जो आप मैं बात कर पूछना रहे चाह थे, रहा एक सिर्फ हूँ। और हाँ मुझे हाँ करने दे सवाल। ये आप स्लेवरी का कह रहे थे कि स्लेवरी इसलिए अबॉलिश नहीं की थी मोहम्मद ने, क्योंकि अगर वो स्लेवरी को अबॉलिश कर देते तो इतने वो जो वहां की जो जियोग्राफिकली जो है इतना वो है उसमें पॉसिबल ना नहीं था सरवाइव करना। तो ये क्या अल्लाह जो है, अल्लाह या मोहम्मद इतने इतने बड़े करिश्मे कर रहा था, चांद को दो टुकड़े कर रहा था, वो चांद को दो टुकड़े करने की बजाय कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं कर सकता था? अगर वो, ये भी हमारे लिए इम्पॉसिबिलिटी है कि वो एक गधे के ऊपर बैठकर वो आसमान के ऊपर चला गया, तो वो ये अच्छा, पॉसिबिलिटी नहीं कर अब आपने सकते? पूछ लिया, मुझे इसका आंसर दे दो आप। ठीक है, अब हाँ मुझे इसका जी, आंसर दे दो। आपका आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। मेरे भाई, अगर घर बैठे ही मेरे को, ठीक है, ऊपर से तरामिया आ जाए खाने की और एक फ्लाइंग कारपेट आ जाए जिससे मैं उड़ सकूं, तो कोई बंदा काम करेगा क्या? 1930 में अमेरिका में एक रिसेशन आया था, ग्रेट अरे यार रिसेशन बेबी, जिसको बोलते हैं, पढ़ना उसके बारे में, ठीक है। वन कितने मोर। लोगों ने सुसाइड किया? वही, उसके बाद ही लोगों ने, जब डिप्रेशन आया, उस यानी के जवाल आया, फिर लोगों ने मेहनत की, थिंग्स इंप्रूव की। इसी तरह ह्यूमन सिविलाइजेशन इंप्रूव करती है, ठीक है। नहीं, वो मैं अल्लाह आपकी बात ताला ने मानता बोला हूँ, है, मैं आपकी बात हाँ ठीक मानता है, हूँ, जब तक लेकिन मेरे भाई जवाल ही नहीं आएगा, आप कैसे इंप्रूव करोगे? अगर आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाए तो आप काम क्यों करोगे आप? अगर मैं अल्लाह आपकी ताला ने बात, सबकी जिंदगी, इफ अल्लाह ताला अगर हर बंदे की जिंदगी 5 स्टार जैसी कर दे, ठीक है, ऊपर से तरामिया आए खाने की, बंदे के पास एक फ्लाइंग कारपेट हो, बंदा उस पर बैठ के उड़ जाए, तो कोई बंदा क्यों काम करेगा? लेकिन जैसे मैं आपकी ये जैसे बात लोग पहले मानता जाते थे हूँ, वैसे ही रहते हैं। थिंग्स वोंट इम्प्रूव, मैं राइट? आपकी ये बात थिंग्स वोंट मानता इम्प्रूव। हूँ। मेरे जा, तो दूसरी आप ही बात लंबी है, बात अल्लाह ना ताला ने करो, बोला है ये जिंदगी आपकी आजमाइश है। आप मजीद लफ्ज ऐड ना करो, मैं बात समझ गया आपकी। हाँ लेकिन ठीक है आप ये भाई, बताओ, फिर व्हाट्स योर नेम? जो मोहम्मद या इस्लाम जो ओके, इतनी अपने आप ओ को सुपरमैन क्लियर डिक्लेयर करते हैं, पर वो क्यों करते हैं? पर ठीक है, एज ए उसको एक मिलिट्री कमांडर या जनरल या ना एक ना 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 पॉलिटिशियन मेरे क्यों भाई, ना लिया जाए? सी अबे, अ मेरा भी एक पर्सन सवाल कैन का बी अ जवाब दो भाई। प्रॉफिट जी, एंड अ किंग एट द सेम टाइम। जैसे मैं प्रॉफिट सुलेमान थे, ठीक है, प्रॉफिट सुलेमान वाज कंसीडर्ड एज अ वाइजेस्ट पर्सन हु इज एवर बोर्न। ही वाज अ ग्रेट किंग प्लस अ प्रॉफिट एज वेल। एक बंदा दो दो काम कर सकता है साथ साथ भी, उसके वो इमाम भी हो सकता है, वो किंग भी हो सकता है, कबीले का सरदार भी हो सकता है, चार चार काम एक साथ कर सकता है एक साथ वो। इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? मैं वो तो आम तो जब ये भी है बंदा ना, एक एज अ किंग काम करेगा तो देखो, जाहिर सी बात है। उसने गलतियां भी बहुत की थी। मेरे भाई, अगर कोई बंदा बादशाह है दुनिया में, ठीक है, बादशाह है, वो कुछ डिसीजन लेता है, अब कोई लोग बोलेंगे डिसीजन गलत लिया उसने, उसके मुखालिफ करेंगे, कोई लोग, कोई भी बादशाह है या कोई भी मिनिस्टर है या कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी बंदा है, अगर कुछ भी वो डिसीजन लेता है, जिन लोगों को वो डिसीजन सही नहीं, वो बोलेंगे डिसीजन गलत था, जिनको वो अच्छा लगा वो बोलेंगे ये डिसीजन सही था। ओके, सही समझ समझे मेरे आपकी भाई? आपकी है। थैंक यू वेरी मच, आपकी समझ आ गई है। लेकिन यह है कि मुझे आज मैंने पहला एक मुसलमान देखा है कि ये जो इस बात को एडमिट कर रहा है ओ मेरे कि भाई, इंडिया पाकिस्तानों में लोगों को पता ही नहीं है वो इस्लाम है क्या, वो इसको एज अ डाइट ही लेते हैं, वो मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद को दे टेक इट एज अ डाइट ही, इनको जो तभी वो ऐसे नारे मुझे लगाते हैं। आखिरी बात इनको करने जो दो, बोल मुझे रहे हैं आखिरी ना, बात एक करने, सेकंड सैम जी, एक आखिरी बात। सेकंड, आपने जो बात बोली है ना कि मुसलमान ये मोहम्मद जी जो थे वो सिर्फ एक आम इंसान थे और उनसे गलती हो गई थी, आपके खुद के मुसलमान जिनको आप बैठ रहे हैं ना, मुसलमान ही है, आपकी जान के पीछे पड़ जाएंगे, आप कहीं प्लीज चेन्नई वाली प्लीज, को मत आपने आपको लो। सेव रखना। मेरी एक बात का जवाब दे मेरे भाई, या तो आदमी दारू ज्यादा पीता है
या तो आदमी दारू कम पीता है, ये लाइट वाला दारू कौन सा है? क्या लाइट दारू कौन पीता है? लाइट दारू, मैंने आज लाइट दारू पी, उसका मतलब क्या होता है? किसका? थोड़ा ऊंचा बोलिए यार। मैंने देखो, या तो आदमी दारू ज्यादा पीता है, या तो आदमी दारू ज्यादा पीता है, हाँ, या तो आदमी दारू कम पीता है, ये लाइट वाला दारू कौन सा है? लाइटली लाइटली मारना, लाइटली लाइटली ठोकना, ये लाइटली क्या होता है? लाइट बियर पीते हैं मेरे भाई। मैं अब जो पीते हैं उनसे पूछे यार आप। भाई सारे मुस्लिम, मेरे तो मेरे सारे दोस्त है वो मुस्लिम, पीते हैं दारू, वो दारू के अंदर मछली डालते हैं, बोलते हैं जायज हो गई। अब मुझे पता नहीं यार, पीते होंगे यार, अब मैंने किसी की गारंटी थोड़ी दिया। हर बंदा वो, तुम भी पी लो कभी कभी यार, दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे यार, ठंडी ठंडी हवा आएगी। नहीं भाई, मुझे पीने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी, करते थे मगर मगर पूरी दुनिया मोहम्मद। अगेन ना मेरे वॉइस को ट्विस्ट करें। नहीं, आपने खुद बोला भाई। नहीं जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या करते थे? मैंने खुद बोला आपने। हाँ, मैंने क्या बोला? मैंने बोला अब्राहमिक, तो इस्लाम है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा अब्राहमिक रिलीजन में, जो अब्राहमिक रिलीजन है उसमें प्रॉफिट कैन बी अ कॉमन पर्सन, ठीक है? वो जिस मिट्टी से इंसान बना है उसी मिट्टी से प्रॉफिट भी बने, जितने भी 1,20,000 प्रॉफिट थे, ठीक है? जी, जिस मिट्टी से इंसान बना है उसी मिट्टी से प्रॉफिट बने। जी, मैंने आपको ये बोला। हाँ, कितने प्रॉफिट थे? जैसे कि प्रॉफिट सोलोमन थे, यू नो, ही वाज आल्सो अ किंग। यार आप तो मेरी जीके का टेस्ट ले रहे हो मेरे भाई। अब मैंने बोलूंगा 1,00,000 इतने साल बोलूंगा, अच्छा उसने तो इतना बोला। अब यहाँ पे जीके का टेस्ट नहीं चल रहा मेरे भाई। यहाँ पे लेकिन भाई, ओ भाई, बोलते हैं ना कि भाई अगर आदमी मिट्टी का बना हुआ है, तो मेरा एक दोस्त है वो बोलता है ना कि अगर आदमी मिट्टी का बना है तो कब्र में जाने के बाद हड्डियां क्यों नहीं गायब हो जाती? हड्डियां तो वैसी की वैसी रहती है हजारों सालों तक। अबे मिट्टी का नहीं बना है। अभी इन्होंने खुद ही कहा कि इब्राहिमिक रिलीजन वाले, खुद ही बोला इन्होंने आपकी। फिर मुझे, मेरे पास दूसरा फोन नहीं होना, मैं रिवाइंड करके आपको फिर सुनाती, क्योंकि आप बुआ मारते हो ना, इस वजह से भूल जाते हो। आपने खुद ही बोला कि इब्राहिमिक रिलीजन में जो पैगम्बर है वो आम इंसान है, तो उनसे गलती हो सकती है। तो आपके मोहम्मद भी आम इंसान थे, राइट? वो भी तो इब्राहिमिक रिलीजन से ही आ रहे थे। कुत्ता बैठा था उसकी वजह से उसको बहुत दिनों तक वो वही नहीं आई थी। खान साहब, एक खान साहब, एक खान साहब, मेरा टाइम, खान साहब, आप मेरा आपको मशवरा है, मेरा आपको मशवरा है, प्लीज अभी आज ये जो कुछ आपने कहा है ना, अब अपनी आप अपना नाम जाहिर कहीं भी नहीं कीजिएगा, अपनी आइडेंटिटी, आपकी जान को खतरा है। ये मुल्ला वल्ला, ये जो मोमेंट मोमेंट है, भले आप अपने आप को कितना भी मुसलमान कहो, कितना भी अच्छा, आपने आपको सेफ करके रखिएगा। मैं आपके लिए प्रे करता हूँ कि आप सेफ रहें। नहीं, मुझे टेंशन है, हमें है भाई, हमें टेंशन है। मैं कौन सी अपनी सही आईडी से आया हूँ जो मुझे टेंशन बोलेगी? ठीक है।